अच्छा लग रहा है माँ। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। जब तू नौकरी ज्वाइन करने दिल्ली जा रहा था ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगी और इस घर की देखभाल कौन करेगा। लेकिन बहू ने मेरी सोच गलत साबित कर दी। श्याम बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इतनी नेक, सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू मिली। तू तो खुश है ना? माँ जी, आजा 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 आजा। माँ जी, दवाई तो लेनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। बेटा, ये रोज रोज ये दवाई हम नहीं खा पाएंगे, बहुत कड़वी है। देखा आपने माँ जी, रोज बच्चों की तरह दवाई ना खाने की जिद करती है। अब डॉक्टर ने बोला है कि इनके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर ये दवाई खाएंगे। पायल ठीक बोल रही है माँ, आपको दवाई टाइम पे खा लेना चाहिए। जल्दी से। और ये रही आपकी दवाई। अच्छा माँ, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हमें अब निकलना होगा। अरे बेटा, दो दिन पहले ही तो आया था, थोड़े दिन और रुक जाता मेरे पास। मैं जल्दी इस बार वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा, जा जा छोड़ के। अब आप सो जाइए माँ जी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कुछ नहीं, अब आराम से सो जाइए। हाँ मैं सोऊंगी। Hi baby, what's up? आशा दीदी की बहू इतनी रात को किस लड़के से मिल रही है? मधु जी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है, हम टोटल फंस गए इस बार। तुम क्यों टेंशन ले रही हो यार? अच्छा है अगर किसी ने देख लिया था, इसी बहाने तुम्हारे ससुराल वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता तो चलेगा। हाँ, और वो तुम्हारा पति श्याम तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, फिर हमें ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। पूरे बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे तुम, जीवन में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर श्याम ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो ये करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी, समझ आया? और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस सारी प्रॉपर्टी और पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। क्या बात है सुधा, वैसे तुम्हारी सासू माँ सोई क्या? रोज दूध में नींद की दवाई मिलाती हूँ, पीते लड़क जाती है बुढ़िया। अरे यार, इस बुढ़िया की सेवा कर करके थक जाती हूँ मैं, लाइफ इसी में खराब हो चुकी है मेरी, ऐसा लगता है। बेकार में टेंशन ले। श्याम का फोन आ रहा है, उधर किसको, उधर किसको, किसको उधर?
यह आदमी अभी तो गया था, फिर भी इसको चैन नहीं है। हाँ जी, आप एयरपोर्ट पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। माँ सो गई? हाँ वो तो कब की सो गई। पायल तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो आज इतनी थकान हो गई कि सर भारी हो चुका है, नींद आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। बाय। तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं बात कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? बहुत हो गई बातें, अब हमारा टाइम शुरू। आप यहाँ कैसे सुबह सुबह? मेरा शक सही निकला, जरूर इसने कल मुझे रोहित के साथ देख लिया है, मेरी चुगली करने आई होगी। वो अभी आराम कर रही है, वो तबीयत खराब है ना, मुझे तो उससे मिल नहीं सकती है। मिलने अभी आप जाइए। ये जानबूझकर इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मैं आशा दीदी को उसकी सच्चाई ना बता सकूं, लेकिन मैं भी इसकी सच्चाई सामने ला कर रहूं। कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मधु आंटी इनसे मिलने आई है। किससे बात कर रही थी बहू? कौन था? किससे भी नहीं माँ जी। अरे क्या सोच रही है, दरवाजा खोल, कब से घंटी बज रही है, अरे खोल ना। हाँ माँ जी। क्या भाभी कब से घंटी बजा रही हूँ, इतना टाइम क्यों लिया दरवाजा खोलने में? इस घर की बेटी हूँ, घंटी बजा के दरवाजा खोल देना चाहिए आपको। अब आने दीजिए मुझे। माँ माँ रीना कैसी हो? तू तो जयपुर घूमने गई थी ना? हाँ ना, कल ही तो आई हूँ और खाली हाथ नहीं आई हूँ। ये देखो आपके लिए जयपुरी साड़ी लेकर आई हूँ, ये देखो प्यारी है ना, सुंदर? बहुत सुंदर है बेटा। और ये आपके लिए भाभी, प्योर बनारसी साड़ी है, महंगी है, और ऐसी साड़ी ना आप पूरे भोपाल में भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगी। क्या बात है भाभी, कौन है जो आपको इतना याद कर रहा है? तुम्हारे भैया के सिवा मुझे कौन याद करेगा, बस उनका ही फोन। अरे तो बात कर लेना। मैं मंदिर जा रही हूँ तो फिर आके बात कर लूँ। ठीक है तो तू जा। जी मुझे। चलिए आ जा। खुश रहो खुश रहो बेटा। आती हूँ। आजकल भाभी मंदिर बहुत जाती हैं, ऐसी कौन सी मन्नत मांगने जाती हैं? अपने परिवार की सुख शांति की मन्नत मांगने जाती है और क्या। अब ये तो भगवान ही जाने परिवार की सुख शांति के लिए मन्नत मांगने जाती हैं या शांति के लिए। तुझे तो मेरी बहू की बुराई का कोई भी मौका मिले तो तू उसे छोड़ती नहीं है। आप भी ना माँ, बस आपकी बहू के बारे में कुछ बोल दो तो एकदम तिलमिला जाती हो। तो तू बात ही ऐसे करती है ना। खैर छोड़ो, अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है, रुक बैठ जा। मैं लेट हो रही हूँ, मैं फिर आऊंगी। बाय। अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलूंगी। बाय बाय। एक मिनट में तुझे लगाता हूँ फोन। क्या है तुम्हें? हाँ तुम्हें एक बार फोन काटते समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हें बार बार फोन करे जा रहे। मेरी सासु माओं की दुलारी बेटी मुंह के सामने बैठी हूँ, उसने मंदिर का बहाना बना के यहाँ तक आई हूँ, पता है तुम्हें? गुस्से में तुम्हारे गाल सेब की तरह लाल हो जाते हैं, दिल तो करता है कि इन्हें खा जाओ। पागल हो तुम, लोग देख रहे हैं। अच्छा सुनो, आज मेरा कहीं घूमने का मन, चलो। तो देर किस बात की, लेट्स गो। तुम जाओ मैं भी आऊंगा। अरे चलो बाबा।
मधु, डर गई ना मैं? ये डर तो कुछ भी नहीं है, जो बात मैं बताने वाली हूँ ना वो सुनकर तुम्हारे पैरों से जमीन खसक जाएगी। क्या बात है बता। आशा दीदी बात वो है कि अरे बताना। मैं बताने ही वाली हूँ कि बताना क्या बोलना चाहती है। आशा दी बात वो है कि मैंने अपनी सॉरी माँ जी मैं आने में थोड़ा लेट हो गई, वो सब्जी लेने के लिए रुक गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा। हाँ मुझे क्या बता रही थी आशा दी मुझे आपसे सारी बातचीत बाद में होगी, फिलहाल हम लोग खाना खाते हैं। सुबह से माँ जी ने कुछ भी नहीं खाया। आशा दी मुझे दो सुन मधु, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग बाद में बातें करते हैं ना, या तू भी आ जा खाना खाने। अभी आप चाहिए बाद में करते हैं। चल चलिए। अरे सुनो वो जो चुगलखोर मधु है ना, हाथ धो के मेरे सास के पीछे पड़ गई है। आज तो मेरे घर तक आ गई थी। अगर उसने बता दिया ना कि उसने तुम्हें और मुझे साथ में देखा है तो समझो हमारा पूरा का पूरा खेल चौपट हो जाएगा। ये औरत तो मेरी जिंदगी हराम करने पे आ गई है यार। तो फिर क्या करना है उसका? तुम फिक्र मत करो मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे कहाँ ले जा रही है तू मुझे, यहाँ क्यों लेकर आई है? अरे बताना क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? बात ही कुछ ऐसी है माँ, अभी मार्केट में मधु आंटी मिली थी, वो बता रही थी कि उन्होंने रात में पायल को किसी और लड़के के साथ देखा है। लड़के के साथ? हाँ। पता है क्या हुआ? क्या? पायल को मैंने एक लड़के के साथ देखा था। क्या बकवास कर रही हो? अरे हाँ वो उसको गले लगा रही थी और ना सीधे घर में भी ले गई, और मधु आंटी आपसे मिलने भी आई थी मगर उस पायल ने आपसे मिलने ही नहीं दिया। बस कर, चुप हो जा। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, हमेशा मेरी बहू के पीछे पड़ी रहती हो, और वो मधु है ना वो तो है ही ऐसी, उसकी तो आदत है दूसरों के घर के बहू बेटियों की चुगली करना। तुमको तो कभी मेरी कोई बात माननी ही नहीं है। मैं अभी मधु आंटी को कॉल करती हूँ और आप उनसे खुद पूछ लो। हाँ लगा, लाउड स्पीकर पे करते हैं। हेलो हेलो मधु आंटी। हाँ हम रीना बोल रहे हैं। मधु अब इस दुनिया में नहीं रही, थोड़ी देर पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। ये मधु को क्या हो गया? माँ हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा मधु की खबर सुन के मुझे तो बहुत उलझन हो रही है। अगर मधु आंटी सच कह रही थी तो एक बात बताओ माँ, रात को कोई तुम्हारे घर आता है तुमको पता नहीं चलता, कैसी नींद है तुम्हारी?
क्या बताऊं बेटा, रात को दवा खाने के बाद मुझे ऐसे ही नींद आती है कि सुबह तक आंखें नहीं खुलती। दवा? कैसी दवा? पायल मुझे रात को एक दवाई देती है दूध के साथ, घुटने के दर्द की। मुझे दवाई तो लेनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस दवा को खाने के बाद ना मुझे अजीब सा लगता है, चक्कर आते हैं और फिर नींद आ जाती है। माँ, कहीं पायल आपको नींद की दवा तो नहीं दे रही है? और ये रही आपकी दवाई। बेटा तू कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाना। अब तो रुकना ही पड़ेगा माँ, पता तो चले आखिर इस घर में चल क्या रहा है। साथ में क्या कुसर कुसर कर रहे लीजिए माँ जी, बहुत टेस्टी है, मैंने बहुत दिल से बनाई, खा के देखिए, खा के देखिए बताना कैसी है। खीर खाते ही तुम दोनों ऐसे गिरोगे कि सुबह तक तुम्हें होश ही नहीं आएगा। बहू, हमारा पेट बहुत भर गया है, कुछ भी खाने का मन नहीं है। भाभी, हमने आपको बताया नहीं कि हमने मीठा खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब आप दोनों नहीं खा रहे हैं तो फिर मैं अकेली खा के क्या करूँगी। चल चल बेटा, अपन कमरे में जल्द आ जा। तुमने मना किया था ना मैंने, वो बुढ़िया उसकी बेटी साथ में रुकी हुई है, तुम क्या मुझे मरवाना चाहते हो क्या? प्लीज जाओ यहाँ से यार। मैं तो तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया था, सोचा था आज जमकर पिएंगे। आज तो माहौल जमाना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से मेरा गला सूख चुका है, आज तो मैं जम के पीऊंगी। गजब हो गया है माँ। क्या हुआ? मैं सुबह भाभी के कमरे में उनको जगाने गई थी और मैंने क्या देखा? क्या देखा?
भाभी उठिए, पूजा का समय हो गया है। भाभी मतलब ये है माँ कि भाभी कल रात से ही अपने कमरे में नहीं है, और हो ना हो वो उसी लड़के के साथ है, वो भी इसी घर में। एक काम करते हैं, उनको ढूंढते हैं। चल 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 चल। नहीं चल, माँ वो देखो, जी आप यहाँ? वो दो दिन से माली नहीं आया था ना, तो मैंने सोचा फूल पौधों को पानी दे दूँ, वरना फिर वो भी खराब हो जाएंगे। आप लोग अंदर चलिए ना, मैं चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। जी भाभी। तूने हमें उसके सामने कुछ बोलने से रोका क्यों? अब भी दूध के दूध और पानी का पानी कर देती, अब भी बाहर करती उसे। नहीं 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 माँ, हम आज नहीं तो कल उसे उसके उस बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों तो पकड़ ही लेंगे, और उसके बाद इस घर से उसकी ऐसी विदाई कराएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ठीक है, अभी शांत रहो और अंदर चलो। ठीक है, चल। हेलो, क्या? हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही वहां पर। हाँ हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ। अरे बताना क्या हुआ, क्या कर रही है? माँ मुझे अभी निकलना पड़ेगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हे भगवान, क्या हुआ था मांझी को? वो मुझे नहीं मालूम, शायद इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। मैं बस जा रही हूँ माँ। हाँ तो रुक, मैं भी तेरे साथ चलती। हाँ ठीक है, मैं बस बैग लेकर आ रही हूँ। मांझी क्या हुआ? अब बहू दामा जी की तबीयत खराब है, तो मैं उसके साथ ही जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी वापस। ठीक है चल बेटा जल्दी चल। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुमने बुलाया और हम चले आए मेरी जान। अच्छा नॉटी? हाँ नॉटी तो मैं हूँ। माँ माँ आप एक कम करो, आप यही रुकिए, आप मेरे साथ मत चलिए। क्यों? ताकि उस पायल भाभी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। ठीक है बेटा, पर तू अपना ख्याल रखना, दामाद जी की खबर देते रहना। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, चलती माँ।
मेरे पीठ पीछे मेरे घर में नहीं, ये सब चंगा नहीं। नीच कहीं की, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतनी घटिया हरकत करेगी। मेरे पूरे घर को तूने ऐशी का अड्डा बना के रखा है। तेरी इस काली करतूत के बारे में तो सबसे पहले तेरे पति को बताऊंगी और फिर तेरे घर वालों को। सब थूकेंगे तुझ पर और तब तुझे पता चलेगा कि दूसरों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। नहीं मत जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। चुप हो जा, तेरी ये करतूत माफी लायक नहीं है। माँ जी मुझसे दोबारा नहीं होगी, मेरा घर थोड़ी भाजा नहीं। दूर हट माँ जी। माँ जी अगर अगर आपने किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं बोल देती हूँ बंद कर अपना नाटक, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। माँ जी माँ जी, मैं अपनी जान ले लूंगी। हेलो हेलो बेटा श्याम। हाँ माँ। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके घर आ जा बेटा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है घर पे? हाँ सब बताऊंगी, बस तू घर आ जा बेटा। हाँ माँ, मैं शाम की फ्लाइट से भी घर आता हूँ आज। ठीक है। हेलो रीना। हेलो। हाँ माँ, माँ इन्हें लेकर हॉस्पिटल आए हैं। हाँ इनको मलेरिया हुआ है, डॉक्टर ने 2-3 दिन एडमिट रखने को बोला है माँ। अच्छा ठीक है माँ, सुनो हम बाद में फोन करते हैं। माँ जी चल रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। माँ जी मैं अपना पूरा घर संभाल लूंगी, बस एक मौका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी मैं आप सबको धोखा नहीं दूंगी। माँ जी माँ जी माँ जी क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मालूम है मैं कैसे छुप छुपा के आई हूँ यहाँ पे? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रह सकती। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। चले जाओ यहाँ से, दोबारा आना मत मेरी लाइफ में। शांत हो जाओ पायल, शांत हो जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दूंगी, मुझसे दूर चले जाओ वरना मैं यहाँ पे शोर मचाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार करते हो तुम? तुम अगर मुझसे प्यार करते ना तो मेरी सास के सामने यूं भागते नहीं मुझे छोड़ के। माँ माँ माँ, कैसे बेखबर सो रही है माँ? ऐसे बेखबर होके तो माँ जी कभी भी नहीं सोई आज तक। उठ ही नहीं रही है। क्या हुआ? निशान, ये तो सांप काटने का निशान है। वो देखिए, वो जा रहा है। वाह, वाह, माजी, वाह, माजी, वाह, माँ, वाह उठो माँ। आप घबराइए मत, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। माँ, माँ, माँ। हेलो, जी हॉस्पिटल से बात करें? जब तक माँ को हॉस्पिटल पहुंचाता तब तक उनके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल चुका था, इसीलिए माँ को बचाया नहीं जा सका। Thank you.
हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। वहाँ माँ की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना है। एक दो दिन में वापस आ जाऊँ, अपना ध्यान रखना। रीना, जब तक हम वापस नहीं आ जाते, तुम्हें अपनी भाभी के साथ ही रहना है। कौन है? कितनी डरपोक हो यार तुम, हाँ? हर बात पर डर जाती हो। ये बोलो थोड़ा, रीना सो रही है अंदर, हंसो मत इतना। ये तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। अच्छा? क्या? चीयर्स। क्या सॉलिड गेम खेला यार तुमने। वो बुढ़िया तुम्हारा सच बताने चली थी और तुमने उसी का हम लोग का टिकट काट दिया। तो क्या करता मैं डर गया था। मुझे लगा वहां से भागना ही ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पायल। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी कर सकते हो तो खत्म कर दो उस बुढ़िया को, निपटा दो उसे। अच्छा हुआ हमने हमेशा हमेशा के लिए इसकी जुबान बंद कर दी। बहुत बोलती थी बुढ़िया। तुझे भी पहुंचा दूंगी तेरी माँ के पास। मेरा हाथ छोड़ो। भैया इसी ने हमारी माँ को मारा है। तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से ही शक था हमें। मधु आंटी ने अपनी आंखों से पायल को किसी और के साथ देखा है। पायल को मैंने एक लड़की के साथ देखा था। थोड़ी देर पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। भैया मुझे यकीन है माँ के मौत के पीछे कोई साजिश है। सच कह रही हूँ मैं। अगर इन सब के पीछे पायल का हाथ है तो हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद हमने हरिद्वार जाने का नाटक किया ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके।
आशा जी की हत्या क्यों और कैसे की तुम दोनों ने, बताओ। मुझे और रोहित को माँ जी ने एक साथ देख लिया था और वो ये बात सबको बता देना चाहती, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उनको अपने रास्ते से हटा दूं। माँ जी सुनिए तो, क्यों आई हो यहाँ? हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। माँ जी प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। माँ जी प्लीज। तो माफी चाहिए भी किसको है? मैं तो तुम्हें मुक्ति देने आई हूँ इस बोझ भरे जीवन से, क्या करोगी जीके? बुढ़िया, हाँ? तेरे बेटे को बताने का शौक है ना तुझे? बता। बुढ़िया, मुझसे मेरा पति छीनने चली थी, मुझे घर से निकलवाना चाहती थी। बहुत जल्द तेरे साथ पूरे खानदान को पहुंचवा दूंगी तेरे पास। बोलती रहना जिसको जो बोलना है, समझे बुढ़िया? हमें कुछ ऐसा करना होगा पायल जिससे कि इसकी हत्या ना लगे। इस बुढ़िया को सांप से कटा देते हैं, लोगों को लगेगा कि सांप के काटने से मर गई और कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करेगा। अपनी अय्याशियों के चक्कर में तूने हमारी मां को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। चलो लेके चलो इन दोनों को। नहीं, नहीं। चलो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।